आज के स्टूडियो में बात करेंगे एडलेड स्ट्राइकर वर्सेस होबार्ट हरिकन्स के बीच में जो मैच खेला जाएगा उसके बारे में। और हाँ, टॉस के बाद कोई भी फर्दर अपडेट होगा तो फाइनल टीम हम टेलीग्राम पे देते हैं। फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे ये मैच खेला जाएगा 1:45 पे 5 जनवरी को, और एडलेड स्ट्राइकर वर्सेस होबार्ट हरिकन्स के बीच में ये मैच है। पिच रिपोर्ट, एडलेड के ओवल पे ये मैच खेला जाएगा, ठीक है। एडलेड का होम ग्राउंड है और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो क्या होता है, देखो वैसे तो हाई स्कोरिंग ग्राउंड माना जाता है, यहाँ पे रन अच्छा खासा बनते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो 4-5 दिनों से BBL का मैंने देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ ऐसा हो रहा है अनप्रेडिक्टेबल। कोई भी एक बॉलर या एक बैट्समैन सबसे ज़्यादा पॉइंट देके चला जाता है, बस कहानी वहीं जाके ख़त्म होता है और मैच का पूरा अगर देखोगे ना पूरा ग्राफ ही चेंज कर देता है। अब कल का ही मैच उठा के देख लो, सिडनी सिक्सर्स स्ट्रॉन्ग टीम था लेकिन फिर भी उसको हार का सामना करना पड़ा। तो अभी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। टोटल अगर मैचेस देखोगे 65 मैचेस खेला गया है, जिसमें कि 40 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाला, मतलब 39 बार जीता है, सेकंड बैटिंग करने वाला 26 बार जीता है। टॉप लेवल परफॉर्मेंस में मैथ्यू शॉर्ट का नाम आता है, राशिद खान, पीटर सिडल, बेंड मैकडेमॉट, टीम डेविड, रिली मैरेडिट का नाम आता है। हेड टू हेड अगर परफॉर्मेंस देखोगे यहाँ पे एडलेड स्ट्राइकर 177 रन बनाया था, 6 विकेट गिरा था, और हरिकन्स 178 रन बनाया था, जिसमें कि सेज जेवेल को ओपनिंग दे दिया, खतरनाक पारी खेला डेमोट, 53, डियासी शॉट, टीम डेविड। यहाँ पे देखोगे मैथ्यू शॉट अच्छा खेला था, लीन अच्छा खेला था, और यहाँ पे ग्रैंड होम अच्छा किया था। हेड टू हेड अगर मैचेस देखोगे तो मतलब इक्वल है ये। अगर एसटीआर देखोगे 11 बार जीता है एडलेड स्ट्राइकर और हरिकन्स 8 बार जीता है, टोटल 19 बार मैच खेला गया है। पॉइंट टेबल में 5 नंबर पे एडलेड स्ट्राइकर है और हरिकन्स 6 नंबर पे है। पॉसिबल 11 में कुछ इस प्रकार का पॉसिबल 11 है, जिसमें मैथ्यू सेठ और हेनरी हंट ओपनिंग करेगा, ठीक है। कि फिर क्रिस लिन आएगा, एडम हाउस आएगा, ग्रैंड होम आएगा, थॉमस केली आएगा। इधर से अगर देखो हरिकन्स की तरफ से डियासी शॉट, डेमोट, उसमें ही बात करते हैं मैथ्यू वेट, ठीक है। बेन मैकडेमॉट अच्छा बैट्समैन है, पिछले मैच में अभी अच्छा किया था। सी जेवेल, पिछले मैच में सी जेवेल को ओपनिंग भेज दिया था। अब हम लोग चले स्टैट्स पे बात करते हैं, एक प्लेयर के बारे में डिटेल से समझेंगे, उसके पास रिकॉर्ड, प्रेजेंट रिकॉर्ड, टीम के अगेंस्ट कैसा खेलता है, इस वेन्यू के अगेंस्ट कैसा खेलता है। सबसे पहले नाम आता है मैथ्यू शॉट। मैथ्यू शॉट अगर देखोगे तो बॉलिंग भी करता है, अभी फिलहाल 2-3 मैचों से विकेट नहीं लिया है 2 मैचों से, लेकिन आज के मैच में विकेट भी लेके जा सकते हैं, तो कैप्टन के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है भैया। आप मैक्सिमम टीमों में कैप्टन बना सकते हो, रिस्क ज़्यादा मत लो, ठीक है। हरिकन्स के अगेंस्ट में 34 का एवरेज है, बढ़िया रिकॉर्ड है। इस वेन्यू पे अगर देखोगे 28 का एवरेज है और 3 विकेट भी लिया है, तो पार्ट टाइम बॉलिंग भी करता है। हेनरी हंट एक मैच अच्छा खेला था, 49 रन का पारी, फिर 2 मैच फ्लॉप रहा है, GL में ट्राई कर सकते हो, और हरिकन्स के अगेंस्ट में 10 का एवरेज है, स्मॉल लीग में ट्राई नहीं करूंगा। क्रिस लिन, अगर क्रिस लिन देखोगे फिलहाल हर मैच में अच्छा करता है, हरिकन्स के अगेंस्ट में 50 का एवरेज है, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, इस वेन्यू पे 20 का एवरेज है, तो बढ़िया रिकॉर्ड है, मेरी स्मॉल लीग टीम में रहेगा। एडम हॉस GL में ट्राई करूंगा क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, और हरिकन्स के अगेंस्ट में 1 ही मैच खेला था, 5 रन बनाया था, तो उतना खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस वेन्यू पे एडम हॉस ने बढ़िया किया है, 3 मैच खेला है, 124 रन बनाया है और 41 का एवरेज है। तो अगर पहले बैटिंग करता है ना तो आप एडम हॉस के साथ जा सकते हो। फिर नाम आता है ग्रैंड होम। पिछले मैच में ग्रैंड होम अगर देखोगे तो 30 रन का पारी खेला था, विकेट तो नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे देखो हरिकन्स के अगेंस्ट में 1 ही मैच खेला, 30 रन बनाया, तो बढ़िया रिकॉर्ड है, ठीक है। थॉमस केली अगर देखोगे तो इस वेन्यू पे उतना खास रिकॉर्ड नहीं है, मेरी टीम में नहीं रहेगा। और यहाँ पे बात करते हैं हैरी नेसन, बैटिंग बहुत ही नीचे है, ठीक है, मैं अपनी टीम में ट्राई नहीं कर रहा हूँ। पीटर सिडल, पिछले मैच में पीटर सिडल ने 1 विकेट तो लिया था, लेकिन इस वेन्यू पे भी अच्छा रिकॉर्ड है, 35 मैच में 52 विकेट लिया है, हरिकन्स के अगेंस्ट में 12 मैच में खेला है, 24 विकेट लिया है। फिलहाल मैं रिस्क ले सकता हूं, क्योंकि देखो कई बार सेफ टीम से खेलने से हारने से बेटर है आप रिस्की टीम से हारो, तो उससे क्या होगा कि अगर आप हारोगे भी या तो वन साइडेड हारोगे, जीतोगे भी तो वन साइडेड जीतोगे, तो आपके लिए फ़ायदा है। पीटर सिडल को आप 4 मेंबर टीम में ट्राई करके चलना, आज के मैच में बढ़िया हो सकता है, कैप्टन भी बना के चलना 2-4 टीमों में, ठीक है। हो सकता है कि अगर 2-3 विकेट लेके चला जाए तो आप मेगा कॉन्टेस्ट भी जीत सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं हैरी कॉनवे, हरिकन्स के अगेंस्ट में अच्छा रिकॉर्ड है, 10 मैच में 8 विकेट लिया है, ठीक है। आज के मैच में ट्राई करेंगे नहीं करेंगे वो आपको टेलीग्राम पे बताएंगे, क्योंकि पावर प्ले जाते में बॉलिंग करेगा, अगर पहले बॉलिंग करता है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। वेस अगर का रिकॉर्ड अच्छा है, 23 मैच में 31 विकेट लिया इस वेन्यू पे, हरिकन्स के अगेंस्ट में 8 मैच खेला 9 विकेट लिया, तो ओवरऑल अगर देखोगे रिसेंट फॉर्म भी बढ़िया है, तो मेरी टीम में रहेगा। राशिद खान फिलहाल 1 विकेट
ले रहा है, पिछले मैच में विकेट तो नहीं लिया था लेकिन रन बनाया था। इस बीपीएल में राशिद खान का उतना अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन प्लेयर बड़ा है और इस वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है, 32 में 48 विकेट लिया, तो इसलिए मैंने अपनी टीम में वाइस कप्तान बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि कई बार बैटिंग भी करने आ जाते हैं, प्रमोट कर देता है, और बैटिंग से यहाँ पे देखो 24 रन का पारी भी खेला था, तो बढ़िया रन भी बना देता है, हीटर हीटर्स है। यहाँ पे बात करते हैं, ये बेंच प्लेयर है हेनरी थॉर्टन, एक बढ़िया प्लेयर है, अगर खेलता है तो आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, हर मैच में विकेट लेके जाते हैं। यहाँ पे देखो 4 विकेट 5 विकेट 2 विकेट, और हेनरी थॉर्टन अगर खेलता है तो मेगा कॉन्टेस्ट में कैप्टन बना के चलना, और 4 मेंबर में भी आप कैप्टन बना के जा सकते हो हिट 4 में। फिर बात करते हैं यहाँ पे होबार्ट हेरिकन्स के प्लेयर के बारे में, डियासी शॉट अगर बॉलिंग करता है इंपॉर्टेंट है, अगर बैटिंग करता है फिर सिर्फ बैटिंग करता है तो मैं अपनी टीम में नहीं रखूंगा, ठीक है। बात करते हैं एसटीआर के अगेंस्ट में, अच्छा रिकॉर्ड है, 52 का रिकॉर्ड है, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज बैटिंग भी कर सकते हैं, अपनी स्मॉल लीग टीम में लेके जा सकते हो, क्योंकि पिच भी अगर देखोगे इस ग्राउंड पे बैट्समैन को बहुत ज़्यादा मदद मिलता है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ पे अच्छा खासा रन बनता है, तो डियासी शॉट एक अच्छा करते हुए आपको दिखाई दे सकता है। फिर नाम आता है बेन मैकडरमॉट, आप कैप्टन भी बना सकते हो, अगर एसटीआर के अगेंस्ट में देखोगे स्ट्राइकर के अगेंस्ट में तो 33 का एवरेज है, इस वेन्यू पे 20 का एवरेज है। फिर नाम आता है मैथ्यू वेट, तो ऑफकोर्स हमारी टीम में रहेगा, रिकॉर्ड बढ़िया रिकॉर्ड है, 52 का रिकॉर्ड है इस टाइगर के अगेंस्ट में, इस वेन्यू पे 70 का एवरेज है, और रिसेंट फॉर्म भी बढ़िया है, लास्ट में भले फ्लॉप रहा था। सी जेवेल इंपॉर्टेंट है, पिछले मैच में 54 रन का पारी खेला, महत्वपूर्ण पारी खेला, 22 का एवरेज है इस टाइगर के अगेंस्ट में, अगर ओपनिंग करता फिर से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। टीम डेविड बैटिंग बहुत नीचे है टीम डेविड का, ठीक है, प्लेयर तो बहुत बड़ा है, ठीक है, अगर पहले बैटिंग करता है ना तो शायद टीम डेविड का बैटिंग भी आ जाएगा और आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक भी हो जाएगा, लेकिन बैटिंग बहुत ही नीचे है। अगर यहाँ पे देखोगे टीम डेविड बहुत ही बढ़िया पारी खेला हर मैच में, स्ट्राइकर के अगेंस्ट में 20 का एवरेज, इस वेन्यू पे 28 का एवरेज है। यहाँ पे बात करते हैं जेमी निसम, इसका बैटिंग बहुत ही नीचे है, बॉलिंग करता है तो ले सकते हो। आसिफ अली का बैटिंग बहुत नीचे है, मैं अपनी टीम में नहीं रख रहा हूँ। अब नाम आता है फहीम अशरफ, पिछले मैच में खेला, फहीम अशरफ को अगर देखोगे पहले ओवर में ही विकेट मिल जाता, लेकिन इजी कैच ड्रॉप हो गया था, एकदम हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ था, कैच ड्रॉप हो गया था, ठीक है, तो इजी कैच था, ड्रॉप हो गया था, इसलिए विकेट नहीं मिला, और 4 ओवर बॉलिंग किया था भैया, राइट आर्म मिड फास्ट बॉलिंग करते हैं, तो आज के मैच में जीएल में ट्राई कर लेना, बहुत कम लोग ट्राई करेगा, क्योंकि पिछले मैच खेला था, विकेट लिया नहीं था, तो लोग पॉइंट को देख के सिलेक्शन करता है, आप जानते हो पाकिस्तान का प्लेयर है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, ठीक है, विकेट लेके जा सकते हैं आज के मैच में। प्रतीक डोली पिछले मैच में अगर देखोगे एक विकेट लिया था, एसटीआर के अगेंस्ट में एक मैच खेला, एक विकेट लिया, लेकिन कभी भी कुछ भी कर देता है, यहाँ पे देखोगे एक बार 4 विकेट भी लेके गया था, लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलिंग करता है। नाथन लिस पिछले मैच में 2 विकेट लिया था, और स्ट्राइकर के अगेंस्ट में 6 मैच खेला, 9 विकेट लिया, इस वेन्यू पे 1 मैच खेला, 2 विकेट, तो मेरी टीम में रहेगा, पावर प्ले दत्त में बॉलिंग करेगा। लिली मेरेडिट इंपॉर्टेंट होगा, इस वेन्यू पे उतना खास रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, एसटीआर के अगेंस्ट में 8 मैच खेला, 9 विकेट लिया, तो आज के मैच में मैं अपनी टीम में रिली मेरेडिट को तो रखूंगा, लेकिन कैप्टन वाइस कप्तान नहीं बनाऊंगा, ग्रैंड लीग में 1-2 टीमों में ड्रॉप करके चलूंगा, आज ड्रॉप कर सकते हो रिली मेरेडिट को, ठीक है। बेंच प्लेयर में यहाँ बात करते हैं, ट्रीमैन का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है, 3 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, मौका मिल सकता है तो अगर मौका मिल गया तो अपनी टीम में रख लेना, ठीक है। फिर शादाब खान को मौका मिल सकता है तो ये भी बढ़िया प्लेयर है, वैसे 2-4 मैच खेला फिर इसको बेंच में डाल दिया। जॉय पेरिस अगर देखोगे तो ये भी ठीक ठाक प्लेयर है। चलिए अब हम लोग फैंटेसी टीम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे मैथ्यू वेट मेरे टीम में है, क्रिस लिन है, यहाँ पे मैकडरमॉट है, सी जेवेल है, ठीक है, ग्रैंड होम है, मैथ्यू शॉट है, राशिद खान है, वेसगर है, रिली मेरेडिट है, प्रतीक डोली है, नाथन लिस है, ये हमारे प्लेयर है, ठीक है। मैं इनमें कोई चेंजेस नहीं करूंगा भैया, क्योंकि ये सेफ टीम है, अगर मैं एक चेंजेस करना भी चाहूंगा तो पीटर सीडल के साथ में जाना चाहूंगा, बस वो भी किसके जगह, या तो पीट डोनले के जगह में अपनी टीम में पीटर सीडल ले सकता हूं, बस और ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं करूंगा। कैप्टन ठीक है मैथ्यू शॉट, वाइस कप्तान राशिद खान है, आप चाहो तो आज बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आप चाहो तो मैकडरमॉट या सी जेवेल को भी आप वाइस कप्तान कैप्टन बना सकते हो। अगर इनमें कोई बदलाव हुआ टॉस के बाद तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। वीडियो पसंद आया हो प्लीज एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।